हिसार के गांव से अपनी कार में दिल्ली के लिए रवाना हुए एक युवक का शव झज्जर के बेरी के पास से गुजर रही जवाहरलाल नेहरू कैनाल से बरामद हुआ। मृतक की पहचान 28 वर्षीय कमल पुत्र लोकनाथ निवासी गांव कुलेरी हिसार के रूप में हुई है। बता दें, झज्जर जिला प्रशासन ने कुछ रोज पूर्व बेरी से गायब हुए एक युवक की तलाश में JLN में सर्च अभियान चलाया हुआ था। इसी सर्च अभियान के दौरान ही प्रशासन को JLN से एक शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान उसकी जेब से मिले कागजात के आधार पर हुई। बाद में पुलिस ने इसकी सूचना उसके परिजनों को दी। पुलिस की सूचना पर ही मृतक कमल के परिजन यहां पहुंचे और शव की पहचान की। परिजनों के अनुसार वह गत दिवस सुबह के समय गांव से कार में दिल्ली लैब में सैंपल जमा कराने के लिए निकला था। उसके पास करीब 80,000 रुपए थे। उसकी कार व मोबाइल तो रोहतक से लावारिस हालत में पुलिस को बरामद हो गए, लेकिन उसका शव यहां बेरी के पास से गुजर रही जवाहरलाल नेहरू कैनाल से बरामद हुआ। पुलिस ने झज्जर के नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया। कैसे क्या हुआ भाई साहब? सवेरे 8:30 बजे घर से निकले, बिल्कुल नाश्ता करके, बिल्कुल अपने बिल्कुल नॉर्मल मोड में। हाँ। हमारे पास तो रात को 8 बजे फोन आता है सरपंच साहब का, कुलेरी के, भैया डेड बॉडी मिली है आपके भाई। अच्छा जी, तो पैसे वैसे भी बताए उसकी? 80,000 रुपए थे उसकी गाड़ी में, 200-200 के नोट। गाड़ी मिल गई है पर नोट नहीं मिले। नोट नहीं मिले। गाड़ी कहाँ से मिली? गाड़ी रोहतक से मिली है जी, नहर के पास ही। नहर के पास से मिली है गाड़ी जी? अच्छा, ऑन रोड थी। तो क्या लग रहा है आपको, सुसाइड का मामला है या मतलब किसी ने मारा है, क्या लग रहा है आपको? सुसाइड का तो हमारा भाई ऐसा नहीं था भाई, सुसाइड करे, बहुत दिलदार आदमी था वो। लगता है कि क्या नाम था उनका? कमल मेहता। कमल मेहता जी। शादीशुदा थे? शादीशुदा था बिल्कुल। क्या काम धंधा था उनका? जी, लैब थी उसकी, चार लैबें थी। चार लैब, हिसार, हिसार, बरवाला और टोवाना। अच्छा, चार लैब थी। हाँ जी। तो क्या मामला दर्ज, पुलिस ने आपको जानकारी दी? हाँ, पुलिस ने हमें सूचना दी। रोहतक वालों ने? नहीं, और हमारे पास तो सरपंच साहब का फोन आया था कुलेरी, कुलेरी से उनके पास बेरी वालों का फोन आया था। अच्छा अच्छा जी। सर, तो पोस्टमार्टम के लिए अब डॉक्टर साहब आ रहे हैं, वो करेंगे। वही जो पेमेंट लेके गया था वो लैब के काम से ही? हाँ जी, लैब के काम से दिल्ली जा रहा था। 80,000 रुपये उसके गाड़ी में थी, वो 80,000 नहीं मिले, बाकी हमारे दोनों फ़ोन मिल गए हैं, दो फ़ोन थे उसके अंदर, गाड़ी मिल गई। गाड़ी मिल गई। क्या लग रहा है, किस तरह क्या? हमें तो ये लग रहा है,